हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। जैसा कि आप सब लोग जान ही चुके होंगे कि एनटीपीसी सीबीटी 2 के लेवल 5, 3 और 2 के जो एग्ज़ाम शेड्यूल हैं वो जारी हो चुके हैं और आपका सिटिंग इंटीमेशन कब तक आ जाएगा और आप एडमिट कार्ड कब तक डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत से कैंडिडेट का एक ये सवाल है कि मेरा जो एक से ज़्यादा लेवल के अंदर एग्ज़ाम क्लियर है तो उसके लिए मुझे जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो अलग अलग मिलेंगे या एक ही मिलेगा, तो उस सभी विषयों पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो आप लास्ट तक बने रहिए। तो चलते हैं हम ऑफिशियल नोटिस की तरफ। ऑफिशियल नोटिस के अंदर क्या डेट अनाउंस हुई है और क्या सिटी इंटीमेशन आपके जारी होंगे और किस किस दिन आपका किस लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है, ऑफिशियल नोटिस के अंदर सारी चीज़ें डिटेल दी हुई है। तो चलिए हम चलते हैं ऑफिशियल नोटिस पर। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल नोटिस है लेवल 3, 5 और 2 के लिए, और इसके अंदर जो फर्स्ट बताया गया है कि CBT 2 आपका जो है 12 से 17 तारीख तक यानी कि 6 दिन आपका जो है कंडक्ट कराया जाएगा। और सेकेंड पॉइंट लेवल 2 का और उससे अगले दिन लेवल 3 का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। वहीं बात करते हैं थर्ड पॉइंट का, जो भी RRB जोन्स आज जैसे कि अजमेर, भोपाल, चेन्नई, गुवाहाटी, पटना, बेंगलोर, जम्मू एंड श्रीनगर, कोलकाता, सिलीगुड़ी, अहमदाबाद, इलाहाबाद, मालदा एंड तिरुवनंतपुरम के हैं, उनका जो लेवल 5 का शेड्यूल है वो 15 जून को होने वाला है, और लेवल 2 का जो होगा वो 16 जून को, और जो लेवल 3 का है वो 17 जून को होने वाला है। वहीं बात करते हैं कैंडिडेट्स के लिए, तो इसके अंदर ये फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है द कैंडिडेट अपीयर इन CBT 2 इन डिफरेंट लेवल एग्ज़ाम एंड डिफरेंट डेट्स विल हैव द डिफरेंट इक्वल लेटर, यानी कि आपको जो एक लेवल से ज़्यादा के लिए क्वालिफाई हुए हैं उनके लिए आपका सिटी इंटीमेशन भी अलग होगा और आपका एडमिट कार्ड भी अलग होगा, लेकिन जो आपका सिटी होगा वो सिटी सेम रहेगा, बस एडमिट कार्ड आपका अलग रहेगा। अगर आपका इलाहाबाद के अंदर पड़ता है और इलाहाबाद के अंदर 3 सेंटर हैं तो आपका लेवल 5 का अगर पहले सेंटर में है तो लेवल 2 का आपका दूसरे सेंटर में होगा, लेकिन सिटी आपकी वही रहेगी, तो आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। फिफ्थ पॉइंट में लिखा हुआ है द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्ज़ाम सिटीज डेट एंड डाउनलोड इक्वल लेटर एंड ट्रैवलिंग पास, यानी कि सिटी इंटीमेशन और ट्रैवलिंग पास जो है आपको 10 दिन पहले वेबसाइट पर मिल जाएंगे और आप इक्वल लेटर जो है अपना 4 दिन पहले डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका 12 को एग्ज़ाम है तो आप 2 तारीख को या 1 तारीख को अपने सिटी इंटीमेशन देख पाएंगे। और इसके अंदर पहले ही बता दिया है सातवें पॉइंट के अंदर आधार लिंक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी डन इन द एग्जामिनेशन सेंटर प्रियोर द एंट्री इन द एग्ज़ाम हॉल, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल आधार कार्ड। आपको ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है, कोई डुप्लीकेट कॉपी फोटोकॉपी मत लेके जाइएगा। और एट पॉइंट के अंदर इन्होंने बताया कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिफर टू ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी जानकारी अगर आए तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर विजिट करिए, इधर उधर की वेबसाइट पर जाके विजिट मत करिए, ये इन्होंने कहा है। 9 पॉइंट जो है बी अवेयर ऑफ ट्राई टू मिसगाइड कैंडिडेट विथ फेक प्रोमिसज ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर जॉब्स, यानी कि इन्होंने बताया कि आप जो भी हैं मिसगाइड और फेक प्रोमिसज से बचिए, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो तय डेट पर ही होगा। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब।